दिल्ली से ही जो भी तय होना है दिल्ली से ही तय हो। नहीं, दिल्ली से नहीं तय होना है। अब ये तय पूरे मुल्क में हर जगह तय होना है जी, क्योंकि इस समय देख लीजिए कि सरकार जब खुद जो संविधान की शपथ लेकर के सरकार चलना चाहिए, सरकार बनी है, वो अगर खुद संविधान के खिलाफ काम कर रही है तो संविधान की रक्षा करने के लिए जनता निकल गई है। इसलिए मुझे लगता है कि आज देश में ये नौबत आ गई है कि वो सिर्फ संसद से और सरकार से तय नहीं हो सकती है। अब पूरी जनता जो इस समय चीजों को समझ रही है और सरकार जो सब कोशिश कर रही थी कि उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, आज पूरे देश में व्यापक लोग इसको समझने लगे हैं कि हमारे संविधान पर ये हमला हुआ है, संविधान की मूल जो भावना है उस पर हमला हो रहा है, और संविधान पर हमला होगा तो उसका हिंदू मुस्लिम क्या होता है, संविधान तो सबका है। इसीलिए हमें लगता है कि आज ये तय तो पूरे मुल्क में ये एक तरह से फिर से आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। सरकार कह रहे कि हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जनता आगे बढ़ेगी, सरकार पीछे छूट जाएगी। सरकार हटे चाहे ना हटे, जनता उस सरकार को हटाते हुए आगे बढ़ जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि अब उसे हराने के लिए हमें यहाँ चुनाव नजदीक आने वाले बिहार में, पहले इसे हराना हमें लगता है कि अभी इस समय देखिए कोई चुनाव की बात तो कर नहीं रहा। अभी तो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी चुनाव हो रहा है लोग राय दे रहे हैं। झारखंड में मोदी जी ने, अमित शाह ने, आदित्यनाथ ने, सब ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। पूरे सीएए के नाम पर ही उन्होंने वोट मांगा, एनआरसी के नाम पर वोट मांगा, अयोध्या के नाम पर वोट मांगा, लेकिन झारखंड ने उनको वोट देने से इनकार कर दिया, सरकार उनकी बनी। क्या लगता है भाई, आप देखेंगे दिल्ली में चुनाव आने वाला है, दिल्ली में भी बिल्कुल सीएए के नाम पर ही वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा दिल्ली में भी लोग उसको खारिज कर। मुझे लगता है कि इसलिए हम चुनाव की बात ना करें। अभी जो संविधान पर इतना बड़ा हमला, ये जो झूठ बोल रहे हैं लोगों को, तो इनके दो चीज का हमें मुकाबला करना है। एक ये जैसे अंग्रेज सोचते थे कि भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, जनता कुछ भी बोले हम नहीं सुनेंगे, और हम लाठी गोली के बल पर, जालियांवाला बाग के बल पर पूरे देश में राज करते रहेंगे, तो ये अंग्रेजों की तरह सोचते हैं। तो एक तो इनके दमन का मुकाबला करना है, जो लोग बहादुरी के साथ कर रहे हैं। लोगों ने बता दिया कि जालियांवाला बाग के तर्ज पर आप अगर राज करना चाहोगे तो हम शाहीन बाग के तर्ज पर आपका जवाब देंगे। ये दिल्ली से लेकर के आपके गया तक पूरे देश में ये बात स्थापित हो गई। दूसरा जो हमें करना है कि वो झूठ बोल रहे हैं और उनके हर झूठ का हमारे पास सच है जवाब, तो इस जवाब को जनता के बीच में ले जाना है। तो और ये बड़ा काम जरूर है, क्योंकि इस समय देश में ये नई चीजें हैं, सीए बिल्कुल एक नया कानून बन गया है, एनआरसी एनपीआर बिल्कुल नई बातें हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत बात अभी समझ में नहीं आ रही। तो ये जरूर मुझे मानना है कि सरकार उसका फायदा उठाना चाहती है, जिनको बात समझ में नहीं आ रही है उनको उल्टा सीधा समझा करके। तो हमारा काम है उनके हर झूठ का, जैसे उनके हर लाठी गोली दमन का हम मुकाबला कर रहे हैं बहादुरी के साथ, बिल्कुल उसी तरह उनके हर झूठ का हम सच्चाई के साथ मुकाबला करेंगे। ये है इस समय हमारे साथ क्या एक मोर्चा तय करेंगे। ये आज देखिए मोर्चा तो बन जा रहा है। आज जो मानव श्रृंखला, अभी नीतीश जी कुछ दिन पहले मानव श्रृंखला की सत्ता के बल पर वो कह रहे थे कि जल जीवन और हरियाली, लोगों ने कहा ये जल जीवन और हरियाली का जो नारा है झूठा है, वो तो दरअसल छल कपट और बेदखली है, हरियाली के नाम पर लोगों को उजारा जा रहा है। लेकिन आज जो लोग सड़क पर आए पूरे बिहार में, मुझे लगता है कि इतना बड़ा मानव श्रृंखला हमने नहीं देखा, जहां सत्ता के बल पर नहीं, जनता अपनी समझ के हिसाब से, और ये जो झूठ बोल रहे थे कि कपड़े देख करके पहचान लेते हैं कौन विरोध कर रहा है, वो देखते कपड़े, जिनके तन पे कपड़ा भी नहीं है वो भी सारे लोग आकर के विरोध कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नारा छोड़ करके। तो ये बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि 26 तारीख कल भी गणतंत्र दिवस बड़े पैमाने पर हम लोग मनाएंगे। संविधान, जिस संविधान पर सरकार हमला कर रही है, उस संविधान की मूल भावना को लेकर के हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, गुलबंद कर रहे हैं। और हमने 25 फरवरी एक 31 जनवरी को पटना में एक बड़ा जन एकता सम्मेलन, और जिसमें हमको हम चाहते हैं कि बिहार में जितने, जैसे गया में हो रहा है इस तरह जितने जगह प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, ये आंदोलनों का भी एक श्रृंखला बने, हर प्रदर्शन धरने का भी उसकी भी एक पूरा नेटवर्क बने, हर जगह से लोग साथी पहुंचे। और 25 फरवरी हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, विधानसभा सत्र शुरू होगा। नीतीश जी विधानसभा में, हमारे विधायकों ने जब ये सवाल उठाया था एनआरसी एनपीआर, नीतीश जी ने कहा कि एनआरसी नहीं लागू होगी और हरियाली से फुर्सत पा ले उसके बाद हम एनपीआर पर सोचेंगे। तो अब कब सोचेंगे, क्योंकि अब एनपीआर ही वो चीज़ है जिसके जरिए अब एनआरसी लागू किया, और एनपीआर में सबसे खतरनाक जो बात होगी कि एनपीआर बनाने वाले जो कर्मचारी होंगे उनको ये छूट मिल जाएगी कि आप किसी के नाम के आगे डी लगा दो, डाउटफुल,
तो ये हमें डाउट करने का हक अगर किसी को मिल जा रहा है तो आप उसका मतलब समझ सकते हैं। कल हमसे कहा जाएगा कि 10,000 रुपये निकालो, 20,000 निकालो, नहीं तो तुम्हारा नाम हम डाउटफुल लगा देते हैं। तो लोगों को ब्लैकमेल किया जाए, तो इस पूरे ब्लैकमेलिंग के खिलाफ ये डाउटफुल कहकर के आसाम में लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा गया जहाँ 30-30 मौतें हो चुकी हैं। तो हमें तो फिर बिल्कुल बिहार में ये कोई धर्म की बात नहीं है, आम गरीब लोग सबसे ज़्यादा फंसेंगे, मजदूर सबसे ज़्यादा फंसेंगे, जिनके पास कागजात नहीं है फंसेंगे। इसलिए लोगों को संगठित करना है और NPR पर रोक लगाने के लिए बेदखली, चाहे हमें ज़मीन से बेदखल करे या हमारी नागरिकता से हमें बेदखल करने की कोशिश हो, इसके खिलाफ 25 तारीख को एक बड़ा विधानसभा बाद और हम तैयारी करेंगे उसके लिए। पूरे बिल्कुल भाजपा माले की ये पूरे मोर्चे की बात जो मैंने की वो नहीं, सारे लोग इसमें शामिल होंगे, सारे लोग, क्योंकि आज के दौर में मुद्दा तो एक है जी, कहीं कोई पहलकदमी ले रहा है, कोई शुरू कर रहा है, लेकिन मुद्दा सबके सामने, जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौर में सीधा लक्ष्य साफ लक्ष्य था, आज दौर ऐसा ही है जहाँ लोगों के सामने एक सीधा लक्ष्य।